गरीब बच्चे जो आगे चलकर क्रिकेटर्स बनना चाहते हैं। ये खिलाड़ी अपनी जेब से 50 लाख रुपए लगाकर अलीगढ़ में उनके लिए एक हॉस्टल बनवा रहा है। एक वक्त पर जो खुद सिलेंडर बेचने वाले का बेटा था, आज लाखों रुपए लगाकर नए खिलाड़ियों को सपोर्ट कर रहा है। अपनी टीम को एक कमजोर स्थिति में सपोर्ट करते हुए 5 गेंदों में 5 छक्के लगाकर विक्टोरियस बनाने वाला ये खिलाड़ी और कोई नहीं बल्कि रिंकू सिंह है, जिसको आजकल सोशल मीडिया पर उनके क्रिकेट पिच पर किए कारनामों की वजह से लॉर्ड रिंकू भी बुलाया जा रहा है। रिंकू सिंह जैसे खिलाड़ी ही वजह है कि ये टूर्नामेंट जो करीब 15 साल से हर साल चल रहा है, उसके पीछे लोगों का पागलपन अब भी साल दर साल बढ़ते ही जा रहा है। रिंकू सिंह जैसे खिलाड़ी जो किस घड़ी में पूरे टूर्नामेंट को 10 गुना एक्साइटिंग बना दे, पता नहीं। 9 अप्रैल 2023 की शाम को जब गुजरात टाइटंस के खिलाफ केकेआर की टीम को आखिरी ओवर की 5 गेंदों में 28 रन चाहिए थे, तब इस बैटल में क्रीज पर थे रिंकू सिंह और बॉल थी यश दयाल के हाथों में। इस मैच को केकेआर की टीम और मैनेजमेंट ने हारा हुआ मैच मान लिया था, पर क्रीज पर खड़े थे रिंकू सिंह, जिनके अंदर अभी भी भरोसा जिंदा था और उन्होंने 5 बॉल्स पर 5 शानदार सिक्सेस लगाकर अपने सेलेक्टर्स और मैनेजमेंट को ये दिखा दिया कि उन्होंने रिंकू सिंह को अपनी टीम में लेकर बिल्कुल सही डिसीजन लिया है। खैर, ये तो वो कहानी है जो करोड़ों लोगों के सामने टीवी पर घटित हुई थी, पर एक कहानी है जो रिंकू सिंह को वाकई लॉर्ड रिंकू बनाती है और वो है इनकी रैक्स टू रिचेस की कहानी। ये कहानी का फॉर्मूला काफी पुराना है, जहां एक गरीब घर का बच्चा अपने हालातों से लड़ते हुए कामयाबी के शिखर तक पहुंचता है, और ऐसी कई सक्सेस स्टोरीज हमने पहले भी सुनी है। पर यही इन कहानियों की खासियत भी है कि जब भी कोई ऐसी कहानी सामने आती है तो मन में सुकून और उम्मीद की एक लहर उठती है, और उसी उम्मीद की लहर को उठाने के लिए आज हम जानने वाले हैं रिंकू सिंह की कहानी कि कैसे एक सिलेंडर बेचने वाले का बेटा क्रिकेट के बिगेस्ट स्टेज तक पहुंच सका, और ना केवल पहुंच सका बल्कि उस स्टेज पर राज कर सका। 25 साल के रिंकू सिंह की यह कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से, जहां 12 अक्टूबर 1997 को रिंकू सिंह का जन्म हुआ था। लोअर मिडिल क्लास परिवार और परिवार को पालने के लिए पिता खनचंद्र सिंह को जो काम मिलता वो करते, और फिर उन्होंने एलपीजी सिलेंडर को बांटने की नौकरी शुरू कर दी। घर की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक ना होने की वजह से रिंकू के भाई जीतू सिंह ऑटो रिक्शा चलाने का काम करते थे। 9 सदस्यों का यह परिवार एलपीजी क्वार्टर्स के ही एक 2 BHK फ्लैट में रहता था। शुरू से ही रिंकू को पढ़ाई में कम और क्रिकेट में ज्यादा दिलचस्पी थी, और इसी वजह से उन्होंने सिर्फ किसी तरह 9वीं क्लास तक की पढ़ाई करी, और 9th क्लास में फेल होने के बाद उन्होंने पढ़ाई को छोड़ क्रिकेट में अपनी जिंदगी को आजमाने का फैसला करा। बचपन से ही सचिन तेंदुलकर और सुरेश रैना जैसे प्लेयर से इंस्पिरेशन लेने वाले रिंकू सिंह को बोलिंग की तुलना में बैटिंग ज्यादा रास आई, और उन्होंने बैटिंग की और ज्यादा प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया ताकि वो अपनी लोकल टीम के लिए एक मजबूत बैट्समैन बन सके। यहीं से एक तरह से रिंकू सिंह का क्रिकेट करियर शुरू हो गया था, जब उन्होंने डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट्स में हिस्सा लेना शुरू किया और कोचेस और क्रिकेट सेलेक्टर्स को शुरू से ही अपनी बैटिंग की तरफ आकर्षित किया। जब रिंकू की उम्र करीब 15 साल थी तब उनको उत्तर प्रदेश की अंडर 16 टीम के लिए सेलेक्ट कर लिया गया। इस वक्त तक रिंकू के पिता को रिंकू का क्रिकेट खेलना बिल्कुल मंजूर नहीं था। अक्सर रिंकू के पिता रिंकू को इसी बात पर फटकार भी लगाते थे कि वो सारा वक्त क्रिकेट में खराब कर रहा है और घर में कोई कमाई नहीं दे रहा। ऐसे में रिंकू की माँ रिंकू के क्रिकेट के सपने को सपोर्ट करती थी, और जब कभी रिंकू को पैसे की जरूरत होती तो उनकी माँ ही किसी तरह पैसे इकट्ठे करके उन्हें देती थी। इसके बाद मार्च 2014 में इन्होंने अपना पहला लिस्ट एक क्रिकेट मैच विदर्भा के खिलाफ खेला, जिसमें 83 रन बनाते हुए रिंकू अपनी टीम के टॉप स्कोरर रहे। खैर, ये मैच इनकी टीम हार गई, पर इनकी परफॉर्मेंस से इनके सेलेक्टर्स पर एक पॉजिटिव इफेक्ट छूटा। अंडर 16 में इनकी अच्छी परफॉर्मेंस के बाद इन्हें यूपी की अंडर 19 टीम और फिर अंडर 23 टीम के लिए भी सेलेक्ट कर लिया गया। रिंकू ने अपना रणजी टूर्नामेंट में डेब्यू किया 2016 के सीजन में, जब इन्होंने पंजाब की टीम के खिलाफ खेलते हुए अपनी पहली ही इनिंग में 50 रन जड़ दिए। इस सीजन में अपनी अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से अगले सीजन में भी इन्हें रणजी खेलने का मौका दिया गया। इसी साल यानी 2017 में पहली बार रिंकू सिंह का नाम आईपीएल ऑक्शंस तक भी पहुंचा, जहां किंग्स 11 पंजाब के सेलेक्टर्स ने इस यंग टैलेंट को 10 लाख रुपए के बेस प्राइस पर अपनी टीम के लिए खरीदा। इस साल चाहे रिंकू सिंह को आईपीएल में एक भी मैच खेलने का मौका ना मिल पाया हो, पर एक मायने में उन्होंने अपने क्रिकेटिंग करियर को उस नेक्स्ट लेवल तक अनलॉक कर लिया था जहां तक एक बर्डिंग क्रिकेटर के पहुंचने की चाह होती है। रिंकू सिंह अब आईपीएल में आ चुके थे, बेंच पर ही सही पर अब वो क्रिकेट के बिगेस्ट स्टेज तक पहुंच चुके थे। यही वो वक्त भी था जब रिंकू सिंह के पिता भी अब उन्हें सपोर्ट करने लगे थे। वैसे तो कहा जाता है कि रिंकू सिंह के पिता बहुत पहले ही अपने बेटे के टैलेंट को समझ गए थे। एग्जैक्टली कहूं तो जब रिंकू सिंह को एक टूर्नामेंट के मैन ऑफ द सीरीज बनने पर एक बाइक प्राइज में मिली थी, तो जब रिंकू सिंह इस बाइक को लेकर अपने पिता के पास पहुंचे तो उनके पिता को एहसास हुआ कि रिंकू सही दिशा में जा रहा है। खैर, अब वापस आते हैं रिंकू के आईपीएल करियर की तरफ। 2017 के आईपीएल सीजन में रिंकू को मैच खेलने का मौका नहीं मिल पाया, पर जो उन्हें आईपीएल से सैलरी मिली थी उन्होंने उससे अपने परिवार पे जो भी कर्जे थे वो सभी चुका दिए। आईपीएल में ना खेलने के बावजूद भी जब रिंकू अपने डोमेस्टिक करियर में लौटे तो उन्होंने अपनी जोरदार परफॉर्मेंस जारी रखी। इसके अगले साल 2018 में कोलकाता नाइट राइडर्स ने रिंकू सिंह को अपनी टीम के लिए खरीदा,
और जब ऑक्शंस में उनकी बिडिंग चल रही थी तब और दूसरी टीम्स भी उन्हें अपनी टीम में लेने के लिए इंटरेस्टेड थी और इसी वजह से उनका बिड प्राइस उनके बेस प्राइस 20 लाख रुपए से काफी बढ़ गया और 80 लाख के प्राइस पॉइंट पर रिंकू सिंह केकेआर की टीम में शामिल हुए। इसके बाद 2018 का सीजन भी रिंकू सिंह के लिए कुछ खास नहीं रहा। उन्हें कुछ मौके जरूर मिले तो सही, पर उन मौकों पर रिंकू शाइन नहीं कर सके। केकेआर में आने के बाद उन्हें अभिषेक नायर ने मेंटोर किया और उनकी बैटिंग में जो कुछ कमियां थी उन्हें सुधारने पर काम कराया। इसका नतीजा ये हुआ कि इस साल जो रणजी ट्रॉफी सीजन था उस सीजन में रिंकू सिंह टूर्नामेंट के थर्ड हाईएस्ट रन गेटर रहे, जहां इन्होंने 10 इनिंग्स में 963 रन बनाए जिसमें 4 सेंचुरीज भी शामिल थी। अगले दो और आईपीएल सीजन में रिंकू की कहानी धीमी ही रही, जहां वो केकेआर के द्वारा रिटेन तो किए जाते रहे पर ना तो उन्हें कुछ खास मौके मिले और जो मिले उनमें वो ज़्यादा चल ना सके। इसके बाद रिंकू के करियर में कोई उड़ान आती उससे पहले ही उनके करियर में एक इंजरी आ गई, जहां से 2021 आईपीएल सीजन में वो टूर्नामेंट का हिस्सा ही नहीं बन पाए। पर इसके अगले साल 2022 में रिंकू तैयार थे अपने पोटेंशियल को सबके सामने रखने के लिए। 2022 के आईपीएल में रिंकू को 7 मौके मिले और यहीं इन्होंने पहली बार एक बड़े स्टेज लायक पारी खेली। इस सीजन में उनका हाईएस्ट स्कोर था नाबाद 42 रन, जो कि एक बहुत ही क्रूशियल समय पर आया था। इसी सीजन रिंकू ने 7 छक्के और 17 चौके भी लगाए और टोटल सीजन में रन्स थे 174। ये सीजन रिंकू के लिए पिछले कुछ सीजन्स के मुकाबले काफी अच्छा रहा और इस सीजन के बाद नंबर आया 2023 के आईपीएल सीजन का, यानी कि जो सीजन चल रहा है। यहाँ रिंकू सिंह ऑलरेडी 3 ताबड़तोड़ पारियां खेल चुके हैं, जहां आरसीबी के खिलाफ इन्होंने लगाए 33/46, गुजरात के खिलाफ लगाए 21/48 और हैदराबाद के खिलाफ लगाए 31/58 और इसी के साथ इनके आईपीएल करियर की पहली हाफ सेंचुरी भी सामने आई। बड़े बड़े दिग्गजों से तारीफ इन्होंने तब हासिल करी जब गुजरात टाइटंस के खिलाफ इन्होंने मैच जिताऊ पारी खेली, जिसमें इन्होंने मैच की आखिरी 5 बॉल्स पर 5 शानदार सिक्सेस लगाए और यही वो 5 सिक्सेस थे जो केकेआर की टीम के लिए हार और जीत का अंतर बने और इसी वजह से रिंकू सिंह बन गए केकेआर के मोस्ट वैल्यूएबल खिलाड़ी। यही वो समय भी है जब रिंकू सिंह के लिए उनके फाइनेंशियल स्ट्रगल्स अब एक पुरानी याद जैसे बन गए हैं। अपनी मुश्किल जिंदगी को पीछे छोड़ अब रिंकू सिंह अपने ब्राइट फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे हैं। अपनी आतिशी पारियों के चलते अब रिंकू सिंह अपने परिवार के लिए वो पिलर बन गए हैं, जहां उनका परिवार अब कंफर्टेबली आगे बढ़ सकता है और अब उनके पिता को भी एलपीजी सिलेंडर बांटने का काम करने की जरूरत नहीं रहेगी। एक महान व्यक्ति की छवि की खास बात यही है कि जब वो सफल भी हो जाए तब भी वो अपनी रूट्स को ना भूले उस वक्त को जब उनके पास कुछ भी नहीं था। और ऐसी ही यादों को अपने साथ रखते हुए रिंकू सिंह ने अपने जैसे ही दूसरे बडिंग क्रिकेटर्स के लिए एक हॉस्टल बनवाने का फैसला करा है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में अब ऐसा हॉस्टल बन रहा है जहां कमज़ोर फाइनेंशियल घरों से आने वाले बच्चे जो क्रिकेट खेलना चाहते हैं वो रह सकेंगे, ताकि वो अपने रहने के खर्चे के बारे में कम और क्रिकेट पर फोकस करने के बारे में ज़्यादा सोच सकें। रिंकू सिंह की यही बातें रिंकू सिंह को उनके फैंस के बीच लॉर्ड रिंकू बनाती हैं। रिंकू सिंह का करियर आगे कैसा रहेगा ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा और ऐसी वीडियो अगर आप किसी और क्रिकेटर के बारे में चाहते हैं तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। धन्यवाद।